कोरोना से प्रभावित होने के चलते ऋषिकेश के गंगा घाट का नाव व्यवसाय अभी भी अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। बंद पड़े व्यवसाय से परेशान नाव मालिकों का कहना है कि उनकी नावें पिछले मार्च से अब तक नहीं चल सकी हैं, जिससे नाव कर्मचारियों के वेतन पर भी खासा असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद भी नाव के किराए में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ऐसे में नाव नहीं चलने से परेशान कर्मचारियों का गुजारा हो पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। छोटे उत्तराखंड की टीम आज पहुंची है ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश में। जिस प्रकार कोरोना काल में सभी व्यवसाय प्रति प्रभावित हो चुके हैं, तो उसी प्रकार एक व्यवसाय ऐसा भी है गंगा घाट पर नाव चालन का, कि वो भी किस प्रकार प्रभावित हुआ है, आइए जानते हैं। उनकी एक जो ओनर है उनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? सुषमा कुकरेजा। तो आप कब से कर रहे हैं इस व्यवसाय को? हम 79 से कर रहे हैं, पहले मेरे ससुर करते थे, अब हम लोग देखभाल करते हैं। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ा है कोरोना काल का? इस सभी कुछ बिजनेस ही खत्म हो गया एक तरीके से, तो कुछ भी करने सवारियां आ रही हैं आपकी नाव? बहुत ना के बराबर। तो क्या कुछ किराया रखा है आपने अभी का लॉकडाउन से पहले क्या था, अब क्या रखा है आपने? नहीं, जो पहले था वही अभी भी है, उसको हम बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं बढ़ा सकते हैं। जो पहले 10 रुपये टिकट था, 18 रुपये आने जाने का था, वही चल रहा है। तो क्या कुछ टेंडर प्रक्रिया रही है आपकी इस दौरान गवर्नमेंट से? नहीं, कुछ भी नहीं रही है, क्योंकि कोरोना काल में आने जाने की भी दिक्कत थी, इसलिए हम आज आ नहीं पाए हैं। लेकिन अब आगे के लिए सोच रहे हैं हम, नवंबर दिसंबर में 2021 में, तब कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ मांग करती है आप अपने व्यवसाय को लिए? आपका व्यवसाय पूरा प्रभावित हो चुका है, आपके जो मुलाजिम हैं, आपके जो कार्यकर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं। अपने स्टाफ की भी हम पूरी सैलरी बीच में 6 महीने नहीं दे पाए, हमने उनको आधी सैलरी पर रखा है। और लेकिन जब से सितंबर चला है, थोड़ा बहुत काम हल्का फुल्का शुरू हुआ है, तब से हमने स्टाफ को पूरी सैलरी दी है, क्योंकि वो आधी सैलरी में मानने को तैयार नहीं है, उनके घर के खर्चे नहीं उठ पाते हैं उस सैलरी से, तो हम उनको पूरी सैलरी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं है, एक तरीके से काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, मालिकों को कोई एक पैसे का भी फायदा नहीं हो रहा है। अब कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको आगे के लिए, क्या कुछ आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी आगे? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो वैक्सीन लगने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या कुछ आस है आपकी भी, आपकी कुछ उम्मीद तो जागी होगी कि अब देखिए मई जून में ही पता चलेगा कि वैक्सीन का क्या प्रभाव जनता पे पड़ता है, जनता की सोच किस तरफ ले जाती है, कि वो घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे या नहीं। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।